अरे कैसे आप सब लोग। ब्यूटीफुल स्वर्णा की ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी, टू कप मेथड की सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने जो लिखा, मतलब दूसरे कप में इन्होंने जो लिखा वो इन्हें मिल गया एज इट इज। टू कप मेथड बहुत ही ध्यान से करने वाला प्रोसेस है, बहुत ही सोच समझ करके करना चाहिए आपको, स्पेशली रिलेशनशिप वाले केस में, क्योंकि वो डेस्परेट कर देता है। इन्होंने महीने में सिर्फ एक ही बार किया और एक ही बार में इन्हें रिजल्ट्स आ गए, यानी कि डेस्परेशन लेवल बिल्कुल भी नहीं था, जीरो था। तो इन्होंने लिखा है, हेलो दी, मेरा नाम स्वर्णा है, मैं टू कप मेथड की अमेजिंग सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। सेम जो दूसरी स्लिप में मैंने लिखा था वही मेरे साथ हुआ। मैंने नेगेटिव वाली स्लिप में लिखा था कि अभी मेरे पास में जॉब नहीं है, मेरी जॉब 3 महीने पहले छूट गई थी और कुछ ऐसी चीजें हो गई थी कि उन्होंने ही मुझे वहां से निकाल दिया था, जिसमें कि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। और दूसरे कप में मैंने लिखा था कि उन्होंने मुझे खुद ही कॉल करके बुलाया है 50% इंक्रीमेंट के साथ में, 50% इंक्रीमेंट के साथ, ओके 50% जो सैलरी थी इनकी वो बढ़ जाए उसके साथ में। और बस एक ही बार मैंने किया था, 1 महीने पहले किया था, 1 महीने के बाद में ही कंपनी से मुझे कॉल आया था और उन्होंने मुझे पूछा कि क्या आप फ्री हो। मैंने उन्हें 2 दिन तक कोई जवाब ही नहीं दिया और मैंने कहा कि मैं दूसरी जॉब कर रही हूं। मैंने उनसे झूठ बोल दिया। इसके बाद तो वो पूरी तरीके से बौखला ही गए और मेरे पीछे पड़ गए और बोले, जहां पर भी आप जॉब कर रहे हो प्लीज आप कोशिश करो कि वहां पर मना कर दो, हम आपको 50% ज्यादा सैलरी के ऊपर रखना चाहते हैं। और जो भी चीजें हुई हैं उसे हम क्लियर करना चाहते हैं। और बस उसके बाद में, क्योंकि मैंने झूठ बोल दिया था इसलिए मैंने पूरा 1 हफ्ता और निकल जाने दिया। 1 तारीख से मैंने फिर से वहां पर ज्वाइन किया। उन लोगों ने अपनी उस गलती के लिए मुझसे सॉरी बोला। एक्चुअली किसी कुलीग को लेकर के कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी और उन्होंने मेरा ही नाम खराब कर दिया था। मैंने उनको भी लव वाइब्रेशन भेजी थी। अब ये हुआ है कि वो उस ऑफिस में नहीं है, मैं उस ऑफिस में 50% सैलरी के साथ में ज्यादा हूँ। अब ऐसा लग रहा है, अरे यार 50% नहीं 100% लिख देती तो डबल हो जाती सैलरी। लालच, क्या बात है। एनीवे आई एम रियली वेरी हैप्पी कि इस टेक्निक ने मेरे लिए वंडरफुली काम कर दिया। लेकिन हाँ, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था पूरा 1 महीना कि मैंने ऐसा किया है। बस वो जो स्लिप थी वो मेरी एक नोटबुक के अंदर चिपकी हुई थी, क्योंकि मैंने उसको स्टिकी नोट में से निकाल करके लगाया था। आज भी वो स्लिप मेरे पास में है। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कितनी अच्छी सक्सेस स्टोरी है आपकी। टू कप मेथड डेस्परेट कर सकता है, इसलिए आपको इसको डेली डेली नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि आप इसे हफ्ते में 1 या 2 बार, वो भी बहुत ज्यादा है, कोशिश करें कि आप जितना ज्यादा कम हो तब करें। रिलेशनशिप वाले केस में तो बहुत ही कम करें, क्योंकि उस केस में सबसे ज्यादा जो मेरे पास में डेस्परेशन वाले केसेस आए या नेगेटिव होने वाले या नेगेटिव रिजल्ट्स वाले, तो वो तभी आए जब लोग लगातार कर रहे थे टू कप मेथड को। तो टू कप मेथड इतना लगातार सच में करने की जरूरत नहीं है, वो इतना पावरफुल प्रोसेस है कि आप थोड़ा सा भी करेंगे तो वो आपको रिजल्ट दे ही देगा। लेट गो होना बहुत जरूरी है। इनका लेट गो हो गया था, अपने आप ही दिमाग में से वो रियली चीज निकल गई और वो एज इट इज मैनिफेस्ट भी हो गई। अब इनका कहना है कि 100% लिख देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, ये चीजें हमारे दिमाग में बाद में आती हैं कि काश यार ऐसा लिख देते, क्योंकि होना वैसा ही था जैसा हमने लिखा था, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको 50% ले लिया था और आपके कॉन्शियस माइंड ने इजीली उसको पास भी कर लिया था अंदर, तो इस वजह से आप बिल्कुल वैसा ही मैनिफेस्ट भी कर पाए हैं। सो कंग्रेचुलेशंस। अपना ना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, करके अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टाटा।